हेलो लेडीज़, वेलकम टू माय गर्मी की छुट्टी व्लॉग। हमारे यहाँ 20 मई को वोटिंग थी, तो मैं वोट डालने के अगले दिन ही निकल गई अपने मायके। ये है मेरी मम्मी, दीदी और दीदी के दोनों बच्चे। मायके में एक दिन रुककर हमारा प्लान बना था इस बार मेरे नानी हाउस जाने का, जो कि बिहार में है। गाइस, इतने सालों बाद हमारा प्रोग्राम बना था नानी घर जाने का। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेरे नाना नानी तो नहीं हैं, पर दो मामा मामी हैं। यह है गंडक नदी, जो नेपाल की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। आप गाड़ी में चलता हुआ गाना सुन सकते हैं। यही तो मजा है फैमिली ट्रिप का, सोते हुए, गाते हुए और खाते पीते चलो। ये दीदी के दोनों बच्चे सोते हुए और मैंने अपनी अच्छी वाली फोटो ले ली। ये कुछ खाने के आइटम्स की फ़ोटो जो हम लोग ने रास्ते में खाए। आइए अब आपको दिखाती हूँ कुछ नेचर क्लिप्स। गर्मी के सीज़न में आप कहीं भी बाहर चले जाइए, आपको आम के पेड़ ज़रूर देखने को मिलेंगे, वो भी आम से लदे हुए। और हमें आम के इतने सारे बाग देखने को मिले और सभी पेड़ों में आम भरे पड़े थे। ये देखिए, एक बाग ख़त्म हुआ और दूसरा आ गया। और आगे तो क्या ही बताऊं आपको, जब मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर किया तो लीची के इतने सारे पेड़, इतनी सारी बगिया देखने को मिली कि हर 10 कदम पर हम लोग लिटरली चिल्ला रहे थे, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। लीची से लदे पेड़ इतने सुंदर दिख रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक पेट्रोल पंप पर ये ऑरेंज कनेर के फूल का पेड़ दिखा, इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये है मखाने का तालाब, अभी फूल नहीं खिले थे, पत्ते ही देखने को मिले। और आगे बढ़े तो हमें हमारी मंजिल का बोर्ड दिखाई दिया तो दिल बाग बाग हो गया। आप में से कितने लोगों का मायका बिहार में है या किसने सहरसा का नाम सुना है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये है जंगल जलेबी का पेड़, ये फल भी उसी सीज़न में होता है, इसकी फ़ोटो मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। और ये है रोड साइड पर भुट्टा सूखते हुए, यानी कि मक्का। जी हाँ, बिहार में मक्के की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। ये रहा मक्के का खेत। और ये टिपिकल गांव वाली झोपड़ी देखने को मिली। और गाइस, जब इस टाइप की पतली रोड शुरू हुई ना, तो सही में दिल में धुक धुक शुरू हो गई कि हाँ बस अब तो पहुंच ही गए। और ये पहुंच गए, ये सामने जो बड़ा सा घर दिख रहा है, यही है मेरे नाना जी का महल, मेरी मम्मी का मायका। ये रिपेयरिंग की शॉप पहले नहीं थी, इसी की वजह से थोड़ा जाम लगा था। और ये हनुमान जी का मंदिर, जो मेरे मम्मी के दादाजी ने बनवाया था। हम लोग बचपन में जब आते थे इस मंदिर में खूब खेलते थे, आते जाते धूप खाते थे। और ये रही मेरे नाना जी की गद्दी, जहाँ वो बैठते थे। और हम बच्चे पहुँच जाते थे उनके पास बिस्किट लेने। इस वाले घर में मेरे छोटे मामा जी रहते हैं। और इसके आगे है मेरे बड़े मामा जी का घर। हम लोग उतरे, सबसे मिले, बस फिर क्या था, खाने का सिलसिला शुरू। ये देखिए, ये है जंगल जलेबी, लाल वाली पक गई है और बहुत मीठी है। मैंने पूरे 4 दिन जमकर जंगल जलेबी खाई। और ये पेड़ पर इस तरह लच्छेदार लगती है। फिर मामा जी ने मंगाई मूढ़ी। बचपन में हमें याद है, जब हम नानी घर जाते थे तो मूढ़ी वाला ठेला लेकर आता था, उसमें 300 तरह के आइटम रहते थे, अलग अलग शीशे के जार और बॉक्सेस में, जिसको अपनी पसंद का जो भी डलवाना था डलवाता था, सबकी कस्टमाइज्ड मूढ़ी बनती थी। अब वो ठेला तो नहीं आता, बट जहाँ से भी मूढ़ी आई थी एकदम सेम वही टेस्ट था, मज़ा आ गई, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। रात में मामी जी ने बनाया था स्पेशल डिनर, नान, दाल मखनी, कोफ्ता, जो कि इतना टेस्टी बना था कि मैं खाने के चक्कर में रिकॉर्ड करना ही भूल गई, किसी चीज़ की फ़ोटो ही नहीं ले पाई। अगले दिन सुबह हम लोग बाहर निकल गए चहलकदमी करने। ये तेल का पुराना टैंकर जिस पर हम लोग चढ़कर खूब खेलते थे, ये पुराना पंप जो अब बंद है क्योंकि बाहर नया पंप बन गया है। और ये रहा मेरे नाना जी के हाथ का लगाया हुआ लीची का पेड़, जिस पर बहुत ही ज़्यादा मीठी लीची होती है। अभी सारी पकी तो नहीं थी, लेकिन हमने जितनी भी खाई बहुत मीठी थी। ये हैं गौ माता जो हमें देख रही हैं। घर के पीछे की तरफ बहुत बड़ा बाग था, जिसमें खूब सारे फलों के पेड़ थे, कटहल, चीकू, आलू बुखारा, फालसा, सपाटू, आम, करौंदा, अंजीर, नारियल। अब ज़्यादा पेड़ नहीं बचे। ये है मेरे बड़े मामा जी का बेटा केशव। नाश्ते में हम लोग ने खाया पोहा, कच्ची सैंडविच, पेस्ट्री, पेठा। फिर हम लोग निकल गए छोटे मामा जी के घर। दरअसल हम लोग का बचपन इसी घर में बीता है, हम लोगों की सारी मस्तियाँ, खुरापातियाँ, शैतानियाँ इसी घर में हुई हैं। कुछ कोने जाने पहचाने लग रहे थे, मगर काफ़ी कुछ इतने सालों में बदल गया था। जैसे पुरानी तस्वीर पर धूल जम गई थी और हम लोग उसे साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे।
जब हम लोग इतने खुश थे तो सोचिए मेरी मम्मी की कितनी खुशी होगी। उनकी आँखें चमक रही थीं, जैसे वो भी अपने बचपन और जवानी में फिर से लौट रही थीं और दीदी के बच्चों को एक एक चीज़ बता रही थीं। ये नानी जी के रूम की एंट्रेंस इधर इधर इधर। ये अच्छा, यहाँ का तख्त कहाँ गया? वो सब हटा दी ना। हाँ, वो सब हटा के सोफा लगा ली। और यहाँ बाबूजी की अलमारी थी, ये यही है क्या? यही अलमारी थी क्या? ये वाली? हाँ, ये मेरे बाबूजी। ये मेरे नाना जी और एक और तस्वीर नाना नानी की। आइए अब चलते हैं छत पर। ये हमारी छत आ गई। ये जो है चौकर, यहाँ किचन था, यहाँ खाना बनता था वहाँ पहले। हाँ, नानी जी के ज़माने में। और ये एक रूम है भंडार। हाँ, एक ये भंडार, इन दोनों में सामान भरा रहता था। हम लोग यहीं से देखते थे वहाँ तक। क्या देखती थी? यहाँ से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब तीन ठो है ना, इसमें दिखाई देता था। एंट्रेंस है ना। हाँ, मेन। और ये अलमारी जो है पहले इस रूम में रहती थी, इसमें सब सामान मर जाता था, मिठाई, तेल, चीनी, घी, ये सब नहीं था, ये सब बाद में बनवाई है। हाँ, ये सब नहीं था, गेट वगैरह खुला था। हाँ, हाँ, पूरी खुली छत थी। और ये जो पूरा है ना, पूरा कवर था जाल के। फिर शुरू हो गया हम लोग का छोटा सा फ़ोटोशूट। ये है मेरी बड़ी मामी जी। अगले दिन तैयार होकर हम लोग निकल गए मामा जी के साथ घूमने। पास ही में साउथ का कोई मंदिर बना था, उसे देखने। मंदिर काफ़ी सुंदर था। और ये हैं मेरे बड़े मामा जी। और आप भी देखिए मंदिर की कुछ झलकियाँ। लौटने पर डिनर हम लोग ने बाहर ही किया, मामा जी ने बढ़िया वाले होटल में खिलाया। और ये रहा वहाँ का फ़ोटोशूट। हम लोग इतने थके हुए थे, लेकिन लग रहा था जितने ज़्यादा पलों को कैमरे में कैद कर लो उतना अच्छा। अपनों के साथ और प्यार की यही यादें तो रह जाती हैं। अगले दिन तैयार होकर हम लोग निकल गए विदेश यात्रा पर। जी हाँ, बगल में नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके हमारी एक दीदी जीजा जी रहते हैं, उन लोगों ने मिलने बुलाया था। वहाँ पहुँचकर उन लोगों से मिलकर हम लोग बातों में ऐसा उलझे कि वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और तो और एक भी फ़ोटो लेना ध्यान ही नहीं रहा, उस दिन की कोई फ़ोटो नहीं है। बाद में बहुत अफसोस हुआ कि इतने सालों बाद मिले एंड नो मेमोरीज़। मामा मम्मी का इतना सारा प्यार समेट कर उनसे विदा लेकर अगले दिन निकल लिए हम लोग अपने घर। लौटते में मौसम बहुत अच्छा था, खूब बारिश हुई, तो फिर क्या था, मेरा कैमरा तो निकलना ही था। और ये रहा मम्मी स्पेशल पोहा। अगले दिन मेरा बेटा भी आ गया था मुझे लेने। हम लोग निकल गए पास के शहर घूमने और शॉपिंग करने। और ये रहा मॉल में हो रहा फ़ोटोशूट, ये तो ज़रूरी है। और फिर भुक्कड़ की तरह हम लोग पहुँचे खाने। वहाँ ढेर सारा ऑर्डर किया, मोमोज, मंचूरियन, चाउमीन, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। और फिर बस एक दिन आ गया जब मुझे वापस जाना था, अपना मायका छोड़कर अपने घर जाना था। कितनी अजीब बात है ना, ससुराल में चाहे जितना प्यार मिल जाए, कितना ही मन रम जाए, पर मायके जाने के वक्त आँखों में जो खुशी और मन में जो उमंग होती है वो अलग ही होती है। और मायके में भी चाहे जितना ही प्यार मिले, किसी चीज़ पर वो हक नहीं लगता जो ससुराल में लगता है। बस जाते जाते एक छोटा सा फोटोशूट और ये गाना। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई।